मुमकिन और नामुमकिन क्या होता है। अगर किसी ने कोई चीज़ करी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते हो। आप वो शुरू करके आप उसके पायनियर ज़रूर बन सकते हो। तो आई एम हियर, आई एम द फायर फाइटर, और वो मैंने कर दिखाया है। ये है उस महिला की कहानी जो आग की तरह जलती रही। ये है हर्षनी कानेकर, भारत की पहली महिला फायर फाइटर, और इनके लिए आज़ादी का मतलब है किसी भी आग का सामना करना। मेरा पहला सपना था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ फ्लाइंग ब्रांच में, और वो एग्ज़ाम मैंने पास नहीं किया जो हम लाइफ में एक ही बार दे सकते हैं। आई सेड कि ओके, ये वर्दी नहीं तो मैं कोई और वर्दी पहनूंगी और देश की सेवा करूंगी। फायर कॉलेज में एडमिशन लेने का विचार ही बहुत चैलेंजिंग था। वो विचार तो किया और एडमिशन भी लिया मैंने, क्योंकि ये मैं नहीं सुनना चाहती थी कि लड़कियों पे कोई उंगली उठाए। ये हेलमेट जूता पहन के ये लड़की कहाँ जा रही होगी? फिर लोगों को पता चला फायर कॉलेज में जा रही है, अरे ये तो लड़कों का फील्ड है, लड़की कहाँ जाएगी, कब तक रहेगी ये लड़की, कब तक टिकेगी। जो भी निगेटिव आया उसको मैंने एक बूस्टिंग की तरह लेके उसको पॉजिटिव में बदला। सो वो मुझ में आग थी कि जो भी नेगेटिव आएगा आई विल कन्वर्ट इट टू पॉजिटिव एंड डू माय बेस्ट। मैं अकेले जाके वहाँ पे परेड करती थी पूरे कॉलेज में। सब लोग आके मुझे पूछते थे, हर्षिनी यू मस्ट बी फीलिंग गॉड। आई यूज्ड टू से नो, दे मस्ट बी फीलिंग गॉड। गाँव की महिलाएं सब जमा होते थे हमारे फायर टेंडर को देखने के लिए, मुझे देखने के लिए। वो बाद में आके मुझे आशीर्वाद देके कि बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो, और एक लगता था कि अपने बच्चों को वो बता रहे होंगे इनडायरेक्टली कि तुम भी ये कर सकते हो, तुम भी ये फील्ड में जा सकते हो। आई वॉन्ट टू बैनिश दैट डिफरेंस कि लड़कियाँ नहीं कर सकती है। वो क्या है, इतनी क्या चीज़ है कि जहाँ पे लड़की नहीं जा सकती है? जैसे आई एम हार्डकोर बाइकर, तो मेरी बाइक को थोड़ी ना मालूम है कि लड़का चला रहे कि लड़की चला रहे। इट्स लाइक जस्ट लाइक दैट। सो इट्स वेरी अननेचुरल इफ वी लिमिट एनीवन ऑन जेंडर बेसिस। मेरी आशा है कि मेरी कहानी सुन के आपके अंदर भी कोई चिंगारी फड़क जाए। हर्षनी कानेकर की कहानी करोड़ों भारतीयों के लिए एक ज्योत बन के जलती रहेगी। भारत की प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां लेकर हम जल्द ही लौट आएंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत।